मोदी ने कल अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान की बैंड बजा दी। अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर मोदी ने जो एक एक शब्द कहा उससे पाकिस्तान की रूह कांप उठी। अमेरिका से मोदी ने पाकिस्तान के फरेब के एक एक कपड़े उतारे और फिर सर्जिकल स्ट्राइक की ऐसी बेंत जड़ी कि पाकिस्तान अब हाय हाय कर रहा है। मोदी ने अमेरिका से पाकिस्तान को ऐसी तगड़ी चेतावनी दी है जो आज तक उसे किसी ने नहीं दी थी। मोदी ने क्या कहा, पूरी बात सुनिए। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। हम ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर करके अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है। हम दुनिया के नॉर्म्स का पालन करते हुए, इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। जब मोदी ने कहा कि दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को इस तरह सार्वजनिक मंच से लताड़ नहीं लगाई थी। लताड़ तो छोड़िए, ये उससे भी आगे किसी चेतावनी की तरह थी, जहां मोदी ने एक बार फिर ये दोहराया कि अगर बाज नहीं आए तो फिर से स्ट्राइक करूंगा। अब तक भारत के डर से पाकिस्तान अमेरिका से पनाह मांगता था, लेकिन अब यहाँ भी हालात बदल गए हैं। ट्रंप की नजर में मोदी से बढ़कर उनका कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की भ्रिकुटी तनी हुई है। हिंदुस्तान के तेवर पहले से ही तीखे हैं और अब अमेरिका जाकर मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दी है वो पाकिस्तान के लिए खतरे के अलार्म से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।